अस्सलाम वालेकुम। आज हम कल हमने ह्यूमन रिसोर्स कंप्लीट किया था, क्वालिटी और ह्यूमन रिसोर्स। आज हम कम्युनिकेशन ऑनवर्ड चलना चाहते हैं। अभी वी आर लेफ्ट विद कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेक होल्डर। दैट्स अबाउट ऑल। चार चैप्टर हैं हमारे और इंशाल्लाह आज कम अज कम दो तो हम जरूर कंप्लीट करेंगे। कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है दैट इज कंपैरेटिवली सिंपलर इन द सेंस के इट हैज गॉट ओनली थ्री प्रोसेस, और जो इसके अंदर काम है वो भी काफी सिंपल है, लेकिन दिस इज प्रॉपरली कनेक्टिंग ऑल द अदर नॉलेज एरियाज। व्हाट एवर कम्युनिकेशन हैज टू हैपन इन द प्रोजेक्ट ड्यू टू ऑल ऑफ द अदर नॉलेज एरियाज दैट हैज टू बी प्रॉपरली प्लान, एंड देन उसका हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान डेवलप करते हैं। फिर बाद में जब हम एग्जीक्यूशन में, जब चीजें हमारी अक्कर हो रही होती हैं, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को, तो वी हैव टू मेक श्योर कि एज पर द कम्युनिकेशन प्लान ऑल द कम्युनिकेशन विल हैड टू हैपन एट वट एवर स्पेसिफिक टाइम्स दोज डू अक्कर, तो उसको इंश्योर करने। और अगर कोई कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं चल रही तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दौरान हमने उनको करेक्ट करना है, कम्युनिकेशन प्लान को अमेंड करना है, और अगर चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत है और पूरे प्रोजेक्ट प्लान पे कोई इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है तो वो क्रिएट करना है। कम्युनिकेशन में एक चीज को समझना है, कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्टिंग का नाम नहीं है। दिस इज नॉट द ओनली कम्युनिकेशन विच शुड अकर, एंड मोर ओवर प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन है, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस प्रोग्रेस रिपोर्ट इज टू बी शेयर्ड बाय विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन द सेम फॉर्मेट। दिस कम्युनिकेशन कुड टेक प्लेस इन डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, जिसको इस रिपोर्ट में से जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस शक्ल में वो इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, उस स्टेक होल्डर को हम वही शक्ल दिखाएंगे। हम किसी से कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी को अनड्यू इंफॉर्मेशन दे के डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए और जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए और जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही उसे प्रोवाइड की जाए, बिना वजह किसी को भी ओवरबर्डन ना किया जाए। दूसरी बात, कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं होनी, कम्युनिकेशन और भी बहुत सी टाइप्स की होनी है। ये देखा जाए कि क्या कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड वी अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। नेचुरली स्टेक होल्डर का अलग चैप्टर है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी मैं इसके साथ ही इसके फौरन बाद डिस्कस कर लूँ। तो स्टेक होल्डर की जो नीड्स हैं वो हमें पता है, वो हम गैदर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं स्टेक होल्डर को, और इन्हीं स्टेक होल्डर्स में हमारी प्रोजेक्ट टीम भी है। इसके अंदर प्रोजेक्ट से बाहर के लोग भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग भी हैं, ऑल दोज हु हैव गॉट एनी स्टेक। तो इसका मतलब है कि जिसका भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है वो स्टेक होल्डर है। तो हमारी तमाम टीम भी इसी में शामिल है, काम करने वाले भी हैं, काम देखने वाले भी हैं और फायदा उठाने वाले भी हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। और इन तमाम लोगों के दरमियान, इन तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान व्हाट एवर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मे गो ऑन मस्ट बी इंक्लूडेड। नो, अभी ये मैं नहीं डिसाइड करता कि क्या कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन पहले हम ये कहते हैं कि व्हाट एवर कम्युनिकेशन इज टू हैपन, लेट अस सपोज व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन। एक बात तो हम सबको कंफर्म है कि कम्युनिकेशन वुड हैपन अमॉन्ग्स द स्टेक होल्डर्स। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स आर कम्युनिकेशन जनरेटेड
by a stakeholder to the project. But any stakeholder can communicate with any other stakeholder. So whatever form of communication that takes, it must be considered and must be registered in communication management plan. So let us suppose we have three stakeholders, only three stakeholders. What is the maximum level of communication which could occur? See, considering that all the three stakeholders are able to communicate with each other, and considering that between any two stakeholders, there would be one two-way communication channel. So how many two-way communication channels would actually be established? So every two-way communication channel, I am calling a channel. So if there is only one two-way communication channel between two people, how many communication channels would be established between amongst three people? जी जनाब, इस सिलसिले में जरा आपका इनपुट चाहिए होगा. जी जनाब फहद, मैंने कहा जी कि अगर दो लोगों के दरमियान अगर एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस एक कम्युनिकेशन चैनल का मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो अगर दो लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, तो तीन लोगों को कनेक्ट करने के लिए कितने कम्युनिकेशन चैनल चाहिए? तीन सर. ओके, ये जनाब एक स्टेक होल्डर है, ये दूसरा स्टेक होल्डर है, इन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन चैनल. अगर एक तीसरा भी बंदा आ जाए तो एक कम्युनिकेशन चैनल इससे इस तक होगा और एक कम्युनिकेशन चैनल इससे इस तक होगा. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक कम्युनिकेशन चैनल ए से सी की तरफ, एक ए से बी की तरफ और एक सी से बी की तरफ. तो तीन स्टेक होल्डर्स के लिए हमें तीन कम्युनिकेशन चैनल चाहिए. अगर दो स्टेक होल्डर हैं तो हमें सिर्फ एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए. अगर चार स्टेक होल्डर हो जाएंगे तो कितने चाहिए होंगे? अगर से कि ये एक चौथा स्टेक होल्डर मैं यहां बना दूं, तो इसका मतलब है ए ने इससे कम्युनिकेट करना है, सी ने इसे कम्युनिकेट करना है, बी ने इसे कम्युनिकेट करना है, तो तीन कम्युनिकेशन चैनल ऐड होंगे, तो ये हो जाएंगे छह. ये तो खैर छोटा केस था. अगर हमारे पास 10 स्टेक होल्डर होते तो देर मस्ट बी अ फॉर्मूला, इनको भी रिड्यूस करने के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए. सो 10 स्टेक होल्डर्स के लिए हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना होगा? द फार्मूला वुड बी एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स. सो अगर चार होता तो 4 × 3 = 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 चैनल बनते हैं. 4 स्टेक होल्डर के 6 चैनल बनते हैं. अगर आप 3 को देखें, 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 कम्युनिकेशन चैनल बनते हैं. अगर 10 होंगे तो 10 × 9 = 90 divided by 2 would be 45. So, 10 लोगों के साथ, 10 स्टेक होल्डर्स के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स कुड बी 45. ये बात क्लियर है जी? सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने फॉर्मूला बताया और ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स का बताया, ये तो बात ठीक है. अच्छा, लेकिन
बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल्स, अगर मेरी टीम में लेट्स से 12 मेंबर्स हैं और इसके अलावा भी मेरे क्लाइंट्स और मेरे स्पॉन्सर और मेरे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं लेट्स से, तो मैं कम्युनिकेशन चैनल से क्या बेसिकली इंफर करता हूँ कि मतलब आई नीड टू हैव अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट और जो उनको जो अपडेट देता हूँ वो मेरे पास सेपरेट होनी चाहिए हर स्टेक होल्डर के लिए, या क्या कम्युनिकेशन चैनल से हम क्या बेसिकली? ओके ओके, देखिए बात ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं, हम तो इस वक्त ये असर्टन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द वर्स्ट एंड व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर माय प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के हवाले से। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि मेरे सारे स्टेक होल्डर, ये उनकी नीड हो कि हम हर किसी से बात करना चाहते हैं। इफ एवरी स्टेक होल्डर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद एवरी अदर स्टेक होल्डर, that would be the worst case scenario and the heaviest load of communication which could happen. Although I am not saying ki aisa hona chahiye, main sirf ye keh raha hu ki if everybody says that everybody wants to talk to everybody all the time, then all the communication channels would be open. So at least I should know ki in worst case scenario how many communication channels may be open. Abhi maine ye to decide hi nahi kiya ki kis communication channel pe kaun si communication chalani hai और कौन सी अलाउ करनी है कौन सी अलाउ नहीं करनी, ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले तो ये देख लें कि मेरे पास कम्युनिकेशन चैनल क्या है, क्योंकि अगर मुझे मेरे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज द वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो, तो मैं फिर उसी अपनी अकल के हिसाब से महदूद हो जाऊंगा। मैं कहूंगा कि अच्छा बस फिर ऐसे है कि एक आदमी से कम्युनिकेशन करनी है हमने, और वही मुझे लगेगा कि बस यही एक कम्युनिकेशन चैनल है और कोई है ही नहीं, और लोगों को भी रिक्वायरमेंट्स हैं और लोगों को भी रिपोर्ट चाहिए और लोग एक दूसरे से साथ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन ऐसी है जो रिक्वायर्ड है नीडेड है और कौन सी नीडेड नहीं है। तो अगर कोई जेन्युइन कम्युनिकेशन बनती है तो उसको हैपन होना चाहिए। हम हर किसी को बंद नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये कहें कि जी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए और वो सबको बांट दें, दैट इज नॉट एनफ। यू मे बी पॉसिबल दैट एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर जो कॉन्ट्रेक्टर है ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मे बी one of our team members, yeah, maybe you want to take some input out of him, maybe some report is required to be given by the contractor to that team member or otherwise, so that is a communication channel. To mera ye khatam maqsad nahi hai ki ye sare communication channel hum open karne lage hain, hum sirf janna chahte hain ki kitne communication channel khul sakte hain. तो सर अगर हम किसी प्रोजेक्ट में हैं फॉर्मली और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे लिए से 10 स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें इज इट लाइक रेकमेंडेड कि हम डिवाइस करें उसी हिसाब से मतलब कितने हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए जितनी प्रोबेबिलिटी बनती है मतलब उन 10 स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, ये करना जरूरी है या फिर आई मीन दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जब मुझे पता होगा कि कम्युनिकेशन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में है, मिसाल के तौर पर 10 स्टेक होल्डर है, तो 45 कम्युनिकेशन चैनल खुल सकते हैं। अब मैं उन 45 कम्युनिकेशन चैनल में एक एक को चेक कर लूंगा कि कहां पे कम्युनिकेशन रन करने की जरूरत है, कहां पे कम्युनिकेशन रन करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी मेनी स्टेक होल्डर जिनके दरमियान का कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, हम उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके हम कहेंगे ये जरूरत नहीं है ये जरूरत नहीं है, पता चलता है पीछे से 10 कनेक्शन बचते हैं, जरूर वो जो 10 कनेक्शन है उनमें फिर हम जाएंगे और उसमें कहेंगे अच्छा क्या चीज चाहिए, कब चाहिए, किसको चाहिए। तो इस तरीके के साथ फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि सही तरह से मतलब सारे लोगों की सारे स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर हमें ये अंदाजा हो कि ज्यादा से ज्यादा और कम अज कम कम्युनिकेशन क्या हो सकती है। और सर एक बात और प्रॉब्ली शायद मैं थोड़ा मतलब जल्दी पूछ रहा हूँ आपसे, प्रॉब्ली ये बातें आगे आएंगी, लेकिन ये जब हम कम्युनिकेशन चैनल स्टेब्लिश करते हैं तो हमने उन 10 स्टेक होल्डर से किस तरह कम्युनिकेट करना है, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा और क्या क्या बातें हम उनको कहेंगे, मतलब एक सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट जो है वो बिफोर वी फॉर्मली यू नो स्टार्ट ऑफ विद दिस कम्युनिकेशन हमारे पास एक होना चाहिए, या हम एडहॉक बेसिस पे भी अगर हमें कोई स्टेक होल्डर कोई रिक्वायरमेंट देते हैं कि यार मुझे इस तरह की ये रिपोर्ट चाहिए फलाना व्हाटएवर यू नो, तो वो हम उसको साथ में एंटरटेन करें हम एक फॉर्मेट बना के रख सकते हैं टेम्पलेट का कि जनाब उसमें कौन सा कम्युनिकेट स्टेक होल्डर है किससे कम्युनिकेट करना चाहता है क्या चीज कम्युनिकेट करना चाहता है कब कम्युनिकेट करना चाहता है
इस तरह का एक टेबल बनाया जा सकता है, लेकिन फॉर ईच कम्युनिकेशन जो भी चीज है उसका हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो पड़ा हुआ है डेटा पुराने प्रोजेक्ट्स का इधर उधर का, उससे हमें अंदाजा तो है ही कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन हैपन होती हैं। अगर उसके स्टेक होल्डर से हम चेक कर लेंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं चीज नहीं चाहिए, तो हमें फेयरली गुड आइडिया हो सकता है कि कौन से कम्युनिकेशन चैनल खुलेंगे और कौन से नहीं खुलेंगे। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद हम ये जानना चाह रहे हैं कि टोटल कितने। ठीक है सर। अच्छा, अभी ये बात अगर समझ आ गई है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए करता हूं। एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप कम्युनिकेशन प्लान करने लगे हैं, पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो देयर यूज्ड टू बी ओनली 50 स्टेक होल्डर, 50 स्टेक होल्डर थे जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 स्टेक होल्डर, 5 मोर हैव बीन एडेड। कैन यू टेल मी हाउ मेनी कम्युनिकेशन चैनल्स विल बी एडेड? पचास पहले थे, 5 स्टेक होल्डर एड हुए हैं, कितने कम्युनिकेशन चैनल बीच में ऐड करने पड़ेंगे? सर प्रोजेक्ट किस फेज पे था जब ये 5 नए स्टेक होल्डर्स एड अप हुए? कभी भी कहीं भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा मतलब कम्युनिकेशन प्लान तो कभी भी अमेंड कर सकते हैं ना। टू सिक्सटी जी, दूसरा जवाब लाइए जी। जी जनाब, पहले थे जी 50, ठीक है, n n-1, n into n-1, n n-1, कितने हो गए जी 50 से 5 ऐड हुए ना जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कितने चैनल्स ऐड हुए? 260 चैनल ऐड हुए। क्या कहते हैं जी आप लोग? ठीक है सर, लगता तो ऐसे ही है, लेकिन हाँ इतने ज्यादा चैनल 5 के लिए तो सिर्फ 5 बंदे है। आपने ये नहीं देखा था ये जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है जो बनाई थी, एक एक चैनल एक स्टेक होल्डर ऐड किया था तो चैनल दुगने हो गए थे। जी हाँ सर, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। वो जो 5 लोग हैं उन्होंने 50 लोगों से कनेक्ट होना है। जी हाँ सर, बिल्कुल, तो उसकी वजह से ये चैनल इंक्रीज हो रहे हैं।
सीधी सी बात है कि जो नया वाला स्टेटस है वो आप पूछ के निकाल लें कितने टोटल कम्युनिकेशन चैनल बनते हैं, पुराने वाले स्टेटस के निकाल लें, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका एडिशन ऑफ चैनल्स है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, एक आध क्वेश्चन होगा इस किस्म का एग्जाम में आ सकता है, मगर ये कम्युनिकेशन चैनल वाला जो है, एक तो ये एन इंटू एन माइनस वन बाई टू जनरली पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि जनाब इतने स्टेक होल्डर हैं कितने कम्युनिकेशन चैनल बनते हैं तो आप बता सके, और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर करना हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें उसने कम्युनिकेशन चैनल इंक्रीज डिक्रीज बताई है कि कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो आपने बतानी। आई होप दिस मच इज क्वाइट कंफर्टेबल, इसमें तो कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। जी जनाब, जी सर सही है, ठीक है। ओके जी, कम्युनिकेशन चैनल में ये सारी कहानी जो हम कह रहे हैं इसका मकसद क्या है? बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश की है कि प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ या प्रोजेक्ट टीम के साथ वेरियस स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन होगी, बल्कि कहीं कहीं जरूरी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर दूसरे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के साथ प्रोजेक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना जरूरी। अगर वो अपनी गपशप के लिए कम्युनिकेट करता है वो तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के हवाले से अगर वो कम्युनिकेट करता है, अब ये कम्युनिकेशन जो है ये कई किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये कम्युनिकेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होगी जो विद इन दी प्रोजेक्ट होगी या विद इन दी टीम होगी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो हो सकती है जो बाहर की किसी एंटिटी के साथ, कस्टमर के, वेंडर के, या किसी और प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये भी आपको देखनी पड़ेगी। फिर वो जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि ये जितनी भी कम्युनिकेशन होंगी ये डिफरेंट तरीके के साथ हो सकती हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कोई रिपोर्ट्स, मिनट्स, ब्रीफिंग्स वगैरह, बल्कि आप यूं समझ लीजिए कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जितने भी आप प्लान बना रहे हैं ना, जो भी आपको करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है, फलाना स्कोप मैनेजमेंट, स्कोप स्टेटमेंट, चार्टर, अला बला, अगर ये आपने इन चीजों को रेगुलेट किया हुआ है, फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक मेथोडोलॉजी या एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है, तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। और ऐसी चीजें जो कि आपने फॉर्मल जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेथोडोलॉजी बनाई है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है और अदरवाइज आपको सपोर्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है आप ईमेल को फॉर्मल डॉक्यूमेंट ना काउंट करते हो, आप में भी ये जो एक दूसरे से एडहॉक बातचीत होती है इसको ना शामिल करते हो, कुछ लोग इसको भी फॉर्मल कंसिडर करते हैं, नहीं करते। तो जो चीजें फॉर्मल कंसिडर होती हैं उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन में लेके आए और दूसरों को इनफॉर्मल में, दोनों तरह की कम्युनिकेशन को प्लान करना है। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हैं। वर्टिकल जो आप अपने ऊपर वालों के से या नीचे वालों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो अपने पीयर्स के साथ करते हैं, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल हो सकती है। ऑफिशियल में जैसे न्यूज़लेटर्स और एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑफ द रिकॉर्ड कम्युनिकेशन है। फिर आपकी रिटन और ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन लाजिम बात है कि जब हम करते हैं तो लिखा हुआ ही जाएगा, लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी के साथ, ओरल कम्युनिकेशन करता हूँ, तो उसमें हमारी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आवाज का उतार चढ़ाव भी है, वो भी मैटर करता है, बातों को बेटर एक्सप्लेन करने के काम आ सकता है। और फिर हमारे जेस्चर्स हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो जाहिर हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुख्तलिफ तरीके, तमाम चीजों को कंसिडर करना होगा कम्युनिकेशन को डिवाइस करते हुए। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की या जरूरी कम्युनिकेशन की बात नहीं करें, हम तमाम किस्म की कम्युनिकेशन विच कैन अकर
अमॉन्ग्स एनी ऑफ द स्टेक होल्डर, उन तमाम चीजों की बात करें, तो आपने ये डिवाइस करना है, ये समझने की कोशिश करनी है कि कम्युनिकेशन कौन कौन सी अलाउ करनी है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के लिए सूदमंद है, जरूरी है, और उसको उसको फिर उन उन कम्युनिकेशन चैनल्स को समझाना भी है लोगों को, कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाए, किस फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल किया जाए। मतलब आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इंतजाम किया है, पता चलता है लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे गेमें खेल रहे हैं। मेरा मतलब है कि जिस उसका अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए और इन अप्रोप्रिएटली वो चीज यूज नहीं होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन आप करते हैं उसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं इन सारी चीजों की तफसील में तो नहीं जाऊंगा। मिसाल के तौर पे एक काम है लिसनिंग का। अब लिसनिंग तो हम करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वी डू लिसन, बट आई एम नॉट श्योर कि हम जो लिसनिंग करते हैं वो इतनी इफेक्टिव होती भी है कि नहीं होती। आपका क्या ख्याल है कि कम्युनिकेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? आई मीन लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग कैसे हो सकती है? हाउ कैन बी यू मोर एक्टिव व्हाइल यू आर लिसनिंग टू समवन? Sir, during a conference, when somebody asks questions, then you become, if you start participating, start taking more interest. Right. एक तो ये point है और ये बड़ा valid point है कि हम communication को active इस participation के साथ, interactivity के साथ बना सकते हैं, और इससे भी बेहतर communication कैसे बनाई जा सकती है? क्वेश्चन से आप क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा इंटरेक्टिविटी रखी जा सकती है। ओके, अच्छा ऐसा है जी कि जो एक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर जो अभी तक बातचीत हुई है, जो मतलब वर्क हुआ है, रिसर्च हुई है, उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है। बेशक सवाल पूछने से आप चीजों को क्लैरिफाई करते हैं और इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी आप एक और चीज को देखिए। वो कहते हैं कि हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है मैसेज को एब्जॉर्ब करने की। तो आप लाजमी बात है कि जब किसी से बात करेंगे तो कोई बात आपसे कर रहा होगा, तो आप एक हद तक तो अटेंशन दे सकते हैं, उसके बाद जब आपका जो स्टॉक है, जो बफर है, वो भर जाएगा, तो आप को समझ नहीं आएगी और आप अपना माइंड स्विच ऑफ करके रख लेंगे। तो आप जो इंटरेक्टिविटी रखते हैं या क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, तो उस वक्त तक जब तक अटेंशन स्पैन आपका कायम है, और अटेंशन स्पैन का टाइम जो होता है वो 20 से 40 मिनट तक होता है, उसके बाद बंदा गुम हो जाता है। तो उसके अंदर इंटरेक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आपको ये पता है कि आप 20 मिनट तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप 20 मिनट तक बात सुने, अगले बंदे की बात सुने, उसको एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब आपको अपनी कैपेसिटी फुल होती हुई नजर आती है, तो आपको ये चाहिए कि आप उस बंदे को स्टॉप करें, उसको इंटरफेयर करें बीच में, और उसे कहें कि जनाब एक मिनट, आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपने उसने जो 20 मिनट के अंदर आपसे बातचीत की है और आपने बड़े गौर से सुनी और समझ ली है, आप उसका खुलासा आधे मिनट में उसको पेश करें और उससे कहें कि क्या यही मतलब था आपका, क्या यही बात आप समझाना चाह रहे थे। अब इसका फायदा यह होगा कि एक तो आपने वो 20 मिनट अच्छी तरह से गौर से सुने और उसको कोई कंसीव किया, परसीव किया, और अब वो आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसी बंदे के सामने इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप भी 20 मिनट बोले, आधे एक मिनट के अंदर आप उसको वो सारी समरी बताएं और उसे कहें कि मुझे कंफर्म कर दो। अगर तो आपने परसीव जो किया है वो सही नहीं किया, तो वो डेफिनेटली ये कहेगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत समझे, ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये था। तो वो एक आपका डाउट जो बीच में बनता है, जो कि मेरी परसेप्शन गलत चाह रही थी, वो ठीक होगी, वो ठीक हो जाएगी। और अगर तो आपने सही समझा है, तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों सूरतों में, बल्कि
दोनों सूरतों में उस बंदे को इस बात का अंदाजा होगा कि इसी बंदा मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश कर रहा है, और अगर आपने बिल्कुल वही समझा जो वो कहना चाह रहा है तो उसको इस बात की खुशी भी होगी कि मेरा मैसेज जो कन्वे भी हो गया और पहुंच भी गया। तो इसके बाद ये एक तरह का फेज अचीव हो जाएगा कि जनाब इस हद इतने इतनी डिस्कशन तो एब्जॉर्ब हो गई, अब आप आगे चले, अब फिर अगला पोर्शन होता है। फिर इस तरीके के साथ जब आप इस तरह ब्रैकेट्स में बात करते जाते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर आप मैसेज कन्वे करते जाते हैं और वो साथ साथ कंफर्म भी होता जा रहा है कि वो मैसेज पहुंचता गया पहुंचता जा रहा है, तो इसका मतलब यह कि दिस इज रियली एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होके और इफेक्टिवली 100% मैसेज जो है वो अपने मंजिल पे पहुंच जाए। क्वेश्चन खाली क्वेश्चन पूछने से 100% मैसेज नहीं पहुंच रहा होता, वो सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ मैसेज पहुंच रहा होता है कि आप जो कंसीव कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो आप समझते हैं कि मैंने समझ लिया है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन जो आपका ख्याल है कि आप नहीं समझे उसके बारे में आप क्वेश्चन करके क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, मगर ये आपके प्रॉब्लम का हल नहीं। एनीवेज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है एक्टिव लिसनिंग के ऊपर। पैसिव लिसनिंग वो होती है कि आप सिर्फ गर्दन हिलाते रहते हैं और असल में अंदर से आप अटेंटिव नहीं होते, लेकिन एक्टिव लिसनिंग जो है वो सिर्फ क्वेश्चन इंटरेक्टिविटी तक महदूद नहीं है। एक्टिव लिसनिंग में इस तरह का तरीका हमें इस्तेमाल करना है जिससे 100% मैसेज परसेप्शन हो सके और वो कंफर्मेशन तभी हो सकती है। जी फहद सर, इसका एक तरीका मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करना भी है ना सर, वो भी इसी चीज में आ जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग वैसे टूल तो एक अलग है, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे आप समझते हैं कि ये वाला पर्पस सर्व कर रहा है? सर देखिए, जो बात आपने की कि हम बेसिकली जो बात भी हमारे क्लाइंट ने एक मीटिंग में हमें कही वो हम समराइज कर दें आखिरी एक या दो मिनट में, अगर वो तो हम करते ही हैं सर, वो तो नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, मतलब मैं भी करता हूँ या बाकी जहां भी मैंने देखा वो तो होता ही है। लेकिन उसके अलावा हम नॉर्मली उसके अलावा जो है वो इंस्टेंटली मीटिंग खत्म होने के बाद एक मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम आइदर साइड वो रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है, तो उसके अंदर भी मीटिंग टेंटेटिव होते हैं जब तक लेट्स से फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स भी टेंटेटिव, अगर कोई भी उसके अंदर एम्बिग्विटी है तो जो भी रिलेटेड पर्सनल है वो उसके पैक कर देता है। ओके, ये तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, किसी हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो उस जब मीटिंग ऑफ मिनट इशू हो जाते हैं तो उसके अगर वो ये समझता है कि ये जो इसने लिखा है ये दिस वाज नॉट व्हाट आई मेंट टू से, तो वो कह सकता है और उसे करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो मेरा मकसद था वो बेसिकली ये था कि ड्यूरिंग द डिस्कशन जो हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं और चीज़ों को कन्फर्म करते हैं वो भी यही चीज़ है और वो ज़्यादा इफेक्टिव टूल है कि बात करने के साथ साथ आप उसको इन्फॉर्म करते जा रहे हैं। तो सर आप रियल टाइम में बात कर रहे हैं ना कि उस मीटिंग में इन रियल टाइम जो है वो बात कर, ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। और ये यहाँ तक इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म है और मैं समझ गया हूँ मैं कि आप लोग मतलब इसको प्रैक्टिस भी करते हैं किसी हद तक, 100% हम लोग नहीं करते, मुझे इस बात का अंदाजा आया कि हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जो है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग की बात सुनना पसंद नहीं करता, वो नॉर्मली बात करना पसंद करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पसंद करता है। इसलिए जब कोई बंदा बोल रहा होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि यार ये चुप करे जल्दी से तो मैं बात करूं, और कुछ लोग इतने बेसब्रे होते हैं कि वो दूसरे को बात भी नहीं करने देते और बीच में उनको इंटरप्ट करके अपनी बात शुरू कर देते हैं, तो ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर। इसमें सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसमें जो कम्युनिकेशन का ये स्किल हम यूज कर रहे हैं, क्या ये हमें जो भी इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए भी काम आएगा, क्योंकि वो एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी? ऑफ कोर्स, देखें कम्युनिकेशन तो एक नॉर्मल स्किल है ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल तो नहीं है, तो मतलब ये कि जो कुछ आप कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आप पहले से ही मीटिंग मिनट्स बनाते हैं और सारा कार्रवाइयां करते हैं तो वो प्रोजेक्ट में काम आएगी, और अगर आप प्रोजेक्ट से कुछ ही सीखते हो वहां जा, तो ये बिल्कुल डेफिनेटली दिस स्किल विल बी यूज्ड एनीवेयर यू वांट।
अच्छा जी, एक तो ये कम्युनिकेशन के हवाले से, ये एक्टिव लिसनिंग के बारे हवाले से ये बात होगी, बल्कि एक्टिव लिसनिंग के बारे में ये जो आपने नाम सुना होगा डेल कार्नेगी का, जो इफेक्टिव क्या कहते हैं स्पीकिंग और इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काफी मशहूर किताबें, 60s का ऑथर है और बेस्ट सेलर है आज तक उसकी किताबें, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स और हाउ टू स्पीक इन पब्लिक और इस किस्म की किताबें उसकी आज तक लोग बहुत इफेक्टिवली पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि लिसनिंग इतना जबरदस्त स्किल है, एक्टिव लिसनिंग इतना जबरदस्त स्किल है कि आप इससे मतलब साइकोलॉजिकली ऐसे जबरदस्त बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एक दफा क्या हुआ, डेल कार्नेगी कोट करता है कि मैं एक डिनर पे कहीं गया हुआ था और वहां पे जो होस्ट था उसने उस डिनर पे मुझे एक बंदे के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने आपस में खड़े हो गए। तो वो जो वो बायोलॉजिस्ट था वो बंदा, वो कहता है कि मुझे अपने बात अपने बारे में बताता रहा और अपने काम के बारे में और बायोलॉजी के बारे में और ये और वो, कहता है कि मैंने सिर्फ एक काम किया कि आई स्टार्टेड लिसनिंग एक्टिवली एंड टू डू दैट, वही वाला तरीका जो मैंने आपको अभी बताया था कि मैं उसकी बात सुनता था, थोड़ी देर के बाद वक्फे के बाद मैं उसके साथ उसकी उसी की हुई बात रिप्रोड्यूस कर लेता था उसके सामने और उससे कंफर्मेशन मांग लेता था और इस तरीके के साथ कहता कि मैं चलता रहा और पूरी मतलब जो भी इवनिंग थी हम आपस में इसी तरह से बातचीत होती रही। कहते कि मैंने कोई बात उससे अपने बारे में नहीं की या मैंने कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ा, ही वॉज द वन हु वॉज टॉकिंग ऑल द टाइम एंड आई वॉज जस्ट डूइंग द एक्टिव लिस्टिंग पार्ट ऑफ इट। कहते जब इवनिंग खत्म हुई तो वो बंदा मेरा हाथ पकड़ के होस्ट के पास ले गया, उसने कहा यार व्हाट अ वंडरफुल पर्सन यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी टू, ये इतनी अच्छी बातें करता है कि ये सारी रात मेरे से बातें करता रहे और बड़ी अच्छी बातें करता। अब डेल कार्नेगी अपने दिल में हंस रहा था कि मैंने तो कोई बात भी नहीं की, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बातें सुन रहा था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक्टिव लिसनिंग से एक ये फीलिंग मिलती है कि प्रॉबली वी आर डिस्कसिंग, वेयर एज actually I am listening, although a little more actively, but actually I am just trying to listen. I am not talking. I am not actually giving my own point of view. इसी हवाले से इसमें सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, इसमें एक मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है या सुनी है और तो एक अच्छी बात है कि आप वहीं पे समराइज करके उसे डिस्कस कर ले, और अगर नहीं तो आप ये बात किसी से शेयर कर लें, शेयर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि आपने जब आप किसी से वो बात शेयर कर लेते हैं तो आपकी एक नेचुरल मेमोरी का हिस्सा बन जाती है और वो आप प्रैक्टिकली देन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई मुश्किल किताब पढ़नी होती है ना, तो मुश्किल किताब जब कोई पढ़नी होती है तो मेरा तरीकेकार ये होता है कि मैं किताब को पढ़ता हूं लेकिन समझता नहीं है, मैं रीड करना शुरू कर देता हूं। तो अब उसमें ये होता है कि जब आप उसको रीड थ्रू करते हैं तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आई कैन गो थ्रू इट। नॉर्मली इतनी मोटी और खुश किताब कोई बंदा गया यार मेरे से नहीं पढ़ी थी, हाथ ही नहीं लगाता। जब आप उसको एक दफा रीड थ्रू करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो आपको एक अचीवमेंट होती है कि मैंने ये किताब पढ़ ली लेकिन समझ तो नहीं आई। अब मुझसे कोई पूछ ले कि क्या है इसके अंदर, अब मैं जब दूसरी दफा पढ़ता हूँ तो मैं उसको ज्यादा अटेंटिवली पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ और इसी में से उसी में से फिर वही एक्सट्रैक्ट निकाल के और मैं उनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी मेमोरी में या किसी और जगह। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए भी डेल कार्नेगी कहता है कि एक्टिव लिसनिंग का कुड बी अ वेरी गुड टूल। उसका वो तरीका ये बताता है कि आप ऐसा करें कि जिन लोगों के दरमियान झगड़ा है ना, आप मॉडरेटर के तौर पर उनके दरमियान बैठ जाए। और ये उसने बाकायदा करके भी दिखाया, उसने क्या किया कि दो एक एक दो लोग थे वो आपस में उनका किसी बात के ऊपर कन्फ्लिक्ट था और वो उनसे डिस्कशन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। उसने कहा जी मैं तुम्हें मॉडरेट करता हूँ, तुम बात करो। उनका जी ठीक है। उसने पहले बंदे को कहा कि भाई तुम ऐसे करो कि तुम जो बात कहना चाहते हो वो यहाँ पे करो, मेरे सामने बात करो। उसने जो ही अपनी बात शुरू की तो दूसरे बंदे ने उसे रोक दिया, कहे नहीं नहीं यार बस ये तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता ऐसे होता। इसने कहा कि भाई बात यह है कि पहले इस बंदे की पूरी बात सुनी जाएगी उसके बाद आप कमेंट करेंगे, आपने बीच में नहीं बोलना।
दूसरा बंदा चुप हो गया। पहले बंदे से कहा फिर तब फिर तुम अपनी बात कंप्लीट करो। उसने अपनी बात शुरू की और ठीक ठाक थोड़ी देर तक वो पहला दूसरा बंदा जो है वो सब्र से सुनता रहा सुनता रहा। आखिर में उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता इसकी बात को, ये ऐसे नहीं होता ऐसे होता। डेल कार्नेगी ने फिर उसे कहा कि भाई तुम यू आर नॉट सपोज टू, जितनी देर उसने बोलना है वो बोलेगा, आप उसकी बात सुने। वो करता मरता क्या ना करता, उसने कहा जी ठीक है मैं सुनता हूँ बात। उसने पूरी बात सुन ली उसकी, लेकिन उसके दिल में यही खुदबू हो रही थी कि यार चुप करे तो मैं बोलूं, मेरी बारी कब आएगी। और ही वॉज नॉट वेरी अटेंटिवली लिसनिंग टू द पॉइंट्स दैट पर्सन वाज मेकिंग। सो एंड ही वॉज थिंकिंग ऑन हिज ओन पॉइंट्स कि मैं क्या बोलूंगा। जब उसका बोलने का जब उसका पहले वाले ने अपनी बात खत्म कर ली तो इसने बोलने की कोशिश की। उसने कहा जी एक मिनट रुक जाए अभी जरा, मॉडरेट मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपने कितना किया। उसने कहा जी आप ऐसा कीजिए कि जो इस बंदे ने बातें की हैं जरा समराइज तो कर दीजिए कि आपको बात क्या समझ आई है। इसको बात कख भी समझ नहीं आई थी, एक लफ्ज इसको समझ नहीं आया था। इसने कोई आए बाएं शाएं मारी, इसने पहले वाले बंदे से पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं तो ये बात ही नहीं की मैंने, मेरा तो पॉइंट ही कुछ और था। उसने कहा अच्छा, उसने कहा जी आप दोबारा दोहराए अपनी बात को, और जब तक आपका मैसेज इस बंदे के तक पहुंच नहीं जाता और ये रिप्रोड्यूस नहीं करता उस वक्त तक हम आपकी बात बार बार रिपीट करवाते रहेंगे। दूसरी दफा उसने दूसरे उस बंदे ने कहा कि यार ये तो मेरे लिए मुसीबत बन गई, मुझे अब रिप्रोड्यूस भी करनी है तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। दूसरी दफा उसने बात दोहराई तो उसने जरा गौर से सुनी, एंड जब उसे कहा गया रिप्रोड्यूस करो तो उसने रिप्रोड्यूस की लेकिन एक्यूरेटली नहीं की। इसने कहा जी अच्छा फिर एक दफा एक्सप्लेन करें इस बंदे को ये बात। आप यकीन कीजिए कि चार पांच दफा रिपीट होने के बाद जब ये बंदा उस पूरे मैसेज को सही तरह से रिपीट कर गया, तब डेल कार्नेगी दूसरे बंदे की तरफ आए। उसने कहा जी हाँ अब आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको पता है उस बंदे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा जी डिस्कशन इज क्लोज, आई हैव अंडरस्टूड हिज पॉइंट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही है सर, ये जो हमारे टीवी के टॉक शोज है ना सर, इसमें एंकर पर्सन को भी यही करना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इनको जूते मारने चाहिए वैसे बाय द वे। ये इस काबिल ही नहीं सही बात है। जिस किस्म के लोगों को लागे बिठाते हैं वो बंदर बिल्कुल ही अनपढ़ और जाहिल किस्म। सही बात है, वो सही बात है सर। वैसे सर ये इसी कमी सर बोले बोले, ये जो कम्युनिकेशन वाला यही बात है ना, आपने देखा ये टीवी पे जब टॉक शोज आना शुरू हुए 3 साल 4 साल पहले लोग कितना इंटरेस्टेड थे और लग रहा था कि दे आर गेटिंग देमसेल्फ एजुकेटेड थ्रू द टॉक शोज अबाउट द कंट्री। बिल्कुल, आप टोटल ड्रामे पे वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या बकबक लगाई है इन्होंने। हाँ एग्जैक्टली 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 बिल्कुल, असल वो वही बात है ना कि ये अपना मार्केट सेल वाला चक्कर बन गया अभी तो। जो ज्यादा शोर मचाता है उसको लेके आओ, जो दूसरा है गालियां ज्यादा देता है वो वगैरह। एनीवे जी, तो ये बहुत से कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे लिखे हुए, वही आपने जो बात की थी क्वेश्चन करना, प्रोविंग आइडियाज एंड सिचुएशंस टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर एजुकेटिंग टू इंक्रीज टीम नॉलेज सो दैट दे कैन बी मोर इफेक्टिव, लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, लोगों को इस तरह के मैकेनिज्म डालें जिसमें वो ज्यादा बेहतर तरीके के साथ समझ सकें, तो अपनी टीम को बिल्ड करें, फैक्ट फाइंडिंग टू आइडेंटिफाई और कंफर्म इंफॉर्मेशन, आप मतलब फेस वैल्यू पे इंफॉर्मेशन को ना लें बल्कि उसे कंफर्म भी करने की कोशिश करें, सेटिंग एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, परसुएडिंग अ पर्सन अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एन एक्शन, रोल प्ले करा के देखें उन लोगों को, मोटिवेट करें टू प्रोवाइड इंकरेजमेंट और रीअश्योरेंस, कोचिंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फिर नेगोशिएटिंग टू अचीव म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स टू प्रिवेंट डिसरप्टिव इम्पैक्ट्स, और समराइजिंग रिकैपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द नेक्स्ट स्टेप। मेरा मतलब ये सारी बातें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं और मेरा ख्याल है कि आप सभी बातें जानते होंगे, लेकिन सिर्फ पुटिंग देम ऑल टूगेदर एट वन प्लेस, दीज आर ऑल द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। If you feel you are weak in any one of them, probably you can improve. वही SWOT analysis वाली बात है कि आपको practice में शायद चीजें होती हैं
लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अंदाजा नहीं होता। अगर आप एक दफा अपने आप को एवेल्युएट कर लें और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बिल्कुल क्लियरली आउटलाइन कर लें, तो फिर आपको पता होगा कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको मैंने एक्सप्लॉइट करना है, और ये मेरी वीकनेसेस हैं, इनको मैंने इम्प्रूव करना है। ठीक हो गया सर। इसमें सर मैं ये पूछना, इसमें एक चीज शायद मिस हो, आप ये जो अगर हम इसको प्रैक्टिकल नॉलेज कर लें, जो चीज भी ट्रेनिंग चल रही है उसको अगर हाथ से करा दें तो शायद वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोल प्लेइंग जो है, ये बेसिकली रोल प्लेइंग का मकसद ही ये होता है। आप एक बंदे को कहते हैं कि अच्छा जी तुम, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड दिस इज द सिचुएशन, व्हाट विल यू डू, दिस इज अ रोल प्ले। वो बंदा उन, ही गेट्स इनटू द शूज ऑफ दैट और वो चीज करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी एक और भी इसका स्किल होता है, उसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं सर। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जब दो बंदों में डिस्कशन हो रही है तो आप बजाय इसके कि अपने पॉइंट को डिफेंड करें, अपने पॉइंट को दें, आप उस बंदे के शूज में चले जाते हैं। यू बिहेव लाइक दैट यू आर हिम एंड यू स्टार्ट यू नो कंसिडरिंग द होल डिस्कशन फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव। इसको एम्पैथी कहते हैं। तो जब आप उसके परस्पेक्टिव से चीजों को देखते हैं, उसकी साइड से चीजों को देखते हैं, तो आपको चीजें और तरह से नजर आती हैं, अपने परस्पेक्टिव में और तरह से नजर आती है। तो चूंकि हम कभी किसी दूसरे के परस्पेक्टिव से चीजों को देखना पसंद ही नहीं करते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि वो बंदा जो बात कर रहा है वो सही है, वो भी सही है। यूं कह लीजिए अगर आप सही हैं तो वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो उसका परस्पेक्टिव आपको समझ आता। सर इसमें मैं एक आउट ऑफ स्कोप एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आम लाइफ के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, आम डिस्कशंस के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप चूंकि फील्ड से रिलेटेड है, एक स्पीड रीडिंग का भी कुछ आपके पास है नॉलेज? ऑफ कोर्स ये तो मतलब अगर आप 5 मिनट में हमें दे सके तो। असल में स्पीड रीडिंग का बड़ा सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसकी बड़ा इसकी प्रैक्टिस आपको बड़ी अच्छी करनी पड़ती है। पहली बात तो यह है कि जो बंदा कभी जिंदगी में रीड नहीं करता, उसकी रीडिंग की स्पीड क्या होगी? ठीक है, वो हिज्जे कर करके ही पढ़ेगा ना, तो उसके वो तो उसकी स्पीड तो कम है। अब हो क्या रहा है, एक आदमी को अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं आती, वो एक एक कम्युनिकेशन COMMUN ऐसे करके पढ़ेगा, तो उसकी स्पीड कहां से इंप्रूव होगी? पहली बात तो ये मैंने बता दी आपको कि आपको कम अज कम अंग्रेजी पे या जो भी लैंग्वेज में जिसको आप रीड करना चाहते हैं उस पे इस हद तक तो अबूर होना चाहिए कि आप हिजे हिजे करके ना पढ़ रहे हो। आप ये नोट करते हैं कि जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने में स्पीड आपकी क्यों तेज होती है? बेसिकली आप जो ही उस वर्ड को देखते हैं, आप उस वर्ड को पढ़ते नहीं है, जो ही आप उस वर्ड को देखते हैं वो वर्ड समझ आ जाता है आपके। कम्युनिकेशन बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, यू जस्ट लुक एट द मिडल ऑफ दैट वर्ड एंड दैट वर्ड इज कंसीव्ड इन योर माइंड। ठीक है जी, यू डोंट रियली रीड इट। अगर आप गौर भी करें, अगर आप कोई भी लफ्ज कभी रीड नहीं करते, हम सिर्फ उस वर्ड के दरमियान में देखते हैं और लफ्ज छलांग मार के हमारे दिमाग में आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें कि बजाय इसके कि जब आप एक लाइन को पढ़ते हैं, आप लाइन के ऊपर ऊपर नजर अपनी फेरने की बजाय आप जंप करें वर्ड्स के ऊपर, एक वर्ड के सेंटर से दूसरे वर्ड के सेंटर में, दूसरे से तीसरे वर्ड के सेंटर में, आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग की स्पीड एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगी। यू विल सी कि अभी जो पूरे वर्ड्स के अंदर से गुर्र करके आप गुजरते हैं, ऑल्दो आप नहीं कर रहे होते लेकिन इंटरनली आप हिजे ही कर रहे होते हैं, ऑल्दो वो बड़ी स्पीड से कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट, तो इस तरह से आप उसे पढ़ रहे होते हैं, तो आप ये देखेंगे कम्युनिकेशन को मिड में देखें, मैनेजमेंट के मिड में देखें, तो टक 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 आपकी आंखें सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उनके ऊपर क्लिक करती जाएंगी और आप पढ़ते चले जाएंगे। जब आपका ये वाला भी एक्सरसाइज ठीक हो जाती है तो अब आप एक और काम करें, अब आप हर दो वर्ड्स के दरमियान में देखें और नजर दरमियान में रखते हुए दाएं और बाएं वाले वर्ड को कंसीव करने को, नजर नहीं हिलानी, नजर आपने हिलाए बगैर दाएं और बाएं के वर्ड को कंसीव करना है, और आप देखेंगे कि यस यू कैन, बिकॉज आपका आई का जो परव्यू होता है वो काफी बड़ा होता है, तो आप बगैर अपनी अपना जो सॉकेट है आई सॉकेट उसको हिलाए आप दो वर्ड्स के दरमियान, अब इसका मतलब है अब लाइन आपकी जो है उसके अंदर अगर 10 वर्ड्स हैं
तो आपके सिर्फ 5 स्टॉप्स रह गए हैं एक लाइन के अंदर रुकने, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी यहां स्पीड तेज हो जाएगी। अब आप इसको बढ़ाएं, अब आप 3 वर्ड्स पे चले जाएंगे, 3 वर्ड्स के दरमियान मिडल वाले वर्ड के ऊपर आपने देखना है और दाएं बाएं वाले को पढ़ना है। ऑलमोस्ट आपने 2 स्टॉप्स के अंदर पूरा पूरी लाइन पढ़ ली। आप यकीन कीजिए कि एक वक्त ये आएगा कि आप पूरी लाइन को सिर्फ उस सेंटेंस के या उस क्या कहते हैं जो एक लाइन है पूरी उसके मिडल में नजर रखेंगे और आपको लाइन पड़ेगी, आपकी जो रीडिंग होगी वो दाएं बाएं नहीं हुआ करेगी, वो ऊपर से नीचे होगी। आप हर सेंटेंस के सेंटर में देखते जाएंगे, सिर्फ सेंटर में देखेंगे, आपकी नजर एक जगह पे होगी और वहां से आप नीचे तक सारा कुछ पढ़ जाएंगे। ठीक है जी, इसका भी और एडवांस वर्जन ये होता है, ठीक हो गया सर, बंदा जो है वो 3-3 लाइनें एक नजर एक स्टॉप में पढ़ जाता है। और एक वक्त ये आता है कि आप सिर्फ पूरी किताब का जो पेज आपके सामने खुला हुआ है, आप यू जस्ट लुक एट द सेंटर ऑफ द पेज एंड यू रीड एवरीथिंग। इस तरह मतलब ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, मैंने इसकी कुछ प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की थी, लेकिन वो इतना पेशेंट नहीं होता बंदे में, पेशेंस नहीं होता कि इतनी देर तक प्रैक्टिस करे। ठीक हो गया, ये बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है। आप बड़ी बड़ी चीजें शुरू करते हैं बोर हो जाते हैं, आप एक पेज पढ़ रहे हैं दूसरा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ना भी चाहते हैं और आप बेस्ट भी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट आइटम। लेकिन ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं कि पढ़ भी रहे हैं और कोई और भी काम करें, ये जरा मुमकिन नहीं है समझना, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है, जो दूसरा काम। सर वो अभी एक नई थ्योरी आई है, वो कहते हैं 1982 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, हाँ, वो एक वक्त में 3 काम कर सकते हैं। नहीं वैसे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। वैसे सही बात है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर जो है वो एक वक्त में 7 से 10 काम बंदा कर सकता है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे हम सिक्वेंशली सोचते हैं। मगर ये जो 7 से 10 तक हम काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए ना, आपको जो आपकी क्या कहते हैं सेंसेस देखें कितनी है, तो मतलब आप इधर उधर देख भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, हर चीज चल चल रही होती है ना, साथ साथ एक बंदा लिख भी रहा है, कोई और भी काम कर, यू आर एक्चुअली डूइंग मेनी मेनी थिंग्स टूगेदर। वो जो आज के बच्चे की बात करते हैं वो ये है कि वो साथ गेमें भी खेल रहे हैं और आधी आधी आपकी बात भी सुन रहा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ये किसी हद तक पॉसिबल तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा बिल्कुल ट्रूली होता है, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं SMS करते हुए, ये बेसिकली यही मल्टीटास्कर से ही होते हैं, यही लोग हैं जो मतलब चक्कर मारते हैं। वो कहते हैं जी गाड़ी चलाते हुए आप जब जितनी देर में एक मैसेज लिखते हैं उतनी देर में सड़क का सीन चेंज हो जाता है, जस्ट लाइक आपको किसी ने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड आप ड्राइव कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड होके? नहीं सर। तो एग्जैक्टली ये वही सीन होता है कि हम ब्लाइंड फोल्ड होते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, बट एनीवेज ये स्पीड रीडिंग वाला सिलसिला जो है ये भी इसी कम्युनिकेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एनीवेज जी ये कम्युनिकेशन के जो पहला प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इसका प्लान वाला, इसके अंदर आप ये देखिए कि बात इतनी बड़ी नहीं है, जो जितनी बातें हमने कर ली कम्युनिकेशन के बारे में आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। अभी आप यहाँ पे जो चीजें देखेंगे वो जस्ट सिंपल होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मुझे चाहिए, मुझे स्टेक होल्डर रजिस्टर चाहिए, मुझे स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है ना, तो मुझे स्टेक होल्डर रजिस्टर भी चाहिए और बाकी एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर प्रोसेस तो है ही है। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है कि ये वो बात है कि क्या कम्युनिकेशन की जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन स्टेक होल्डर्स ने दी हैं उनको क्या खबर चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हर कोई खबर चाहिए, हर किसी को हर कोई खबर कोई नहीं चाहिए होती, लोग बड़े मसरूफ हैं, लोगों को अपने काम से काम है, तो वो जो चैनल हमने इतने सारे सिलेक्ट किए थे वो सारे चैनल तो कभी भी नहीं खुलेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसका फायदा ये होगा कि कभी भी अगर कोई कम्युनिकेशन चैनल खोलना पड़ता है तो मेरे पास चार्ट बना होगा, मैं कहूंगा अच्छा यार ये वाला चैनल खोल के ये कम्युनिकेशन कर दो, तो वो एक आसानी पैदा हो जाती है आपके लिए। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करें, इससे ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि करंट कौन सी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, बल्कि आप उसको फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि जनाब अभी तो ये स्टेक होल्डर नहीं मांग रहा है कि इसको ये कोई और रिपोर्ट चाहिए, लेकिन कभी बाद में इससे ये रिपोर्ट कंसर्न है जो इसे चाहिए हो सकती है, लेकिन अभी हम उसको नहीं देंगे, हम उसको वही चीज देंगे जो उसको रिक्वायर्ड है।
इसी तरह कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, आप क्या उसको जुबानी वो बात बताएंगे या उसको खत लिखेंगे या उसको ईमेल करेंगे या इंटरनेट के ऊपर कहीं कर देंगे। सो जौन सी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैसे कम्युनिकेट होना है, इसको भी मद्देनजर रखने को। आजकल तो चीजें बहुत तब्दील हो गई, अब तो ईमेल के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर और पता नहीं कौन कौन से मैकेनिज्म से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन का मॉडल क्या है, जो एक बाय डिफॉल्ट मॉडल होता है एक ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करने का, उसमें ये होता है कि आप अपने दिमाग से कोई बात जब करना चाहते हैं, यू क्रिएट दैट मैसेज। इसका मतलब है आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो आपकी नर्व्स आपको कह रही हैं बात करने को, आपकी आपको शायद इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, ये हम कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आवाज है, जो हमारे अंदर नर्व्स हमारी हैं, उसकी ये जुबान नहीं है, उसकी जुबान कुछ और है। वो बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि बिट्स एंड बाइट्स में या कोई इस किस्म के सिस्टम में वो बात दिमाग में, दिमाग हमारा मैसेज को जब सोचता है तो वो उसमें सोचता है, वो उर्दू या अंग्रेजी में नहीं सोचता। वो मैसेज फिर जुबान में कन्वर्ट होता है ताकि हम किसी से कन्वर्ट कर सके। अमूमन आपने ये देखा होगा कि जब आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, आप बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से सोचा जा रहा होता है उतनी तेजी से बोला नहीं जा रहा होता, और अक्सर बातें आप पूरी तरह से कन्वे नहीं कर सकते। ये आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो बहुत तेज तेज बोलते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा तेज तेज बोलते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, उनका ये कोई कसूर नहीं है, वो उस मैसेज को ओवरवेम हो रहा होता है, ओवरफ्लो हो रहा होता है, और वो उसको कैप्चर करने के लिए अपने बोलने की स्पीड को तेज करते हैं और फिर भी वो उसको कैचअप नहीं कर पाते। एनीवेज मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा कि तेज बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि आपके अंदर का जो सिस्टम है, अंदर जो कंप्यूटर इंसान के लगा हुआ है, दैट इज मच मच मोर फास्टर देन व्हाट ये आपके जो मींस हैं कम्युनिकेशन के वो हैंडल कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन का जो हमारा मॉडल होता है वो ये होता है कि वट एवर ख्याल मेरे जहन में आया उसको मैंने जुबान में कन्वर्ट किया, अब मैसेज में कन्वर्ट किया। और मजे की बात यह है कि ये जो बात मैंने आपसे अभी की है कि जो मैंने सोचा था, क्या मैंने वही मैसेज में कन्वर्ट हो पाया कि नहीं हो पाया, क्या वो इफेक्टिवली पूरा मैसेज बना कि नहीं बना। अमूमन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, हम उसको इफेक्टिवली वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और ये वो कमजोरी है जो मतलब हमारी दिमाग की स्पीड और बोलने की स्पीड और उसकी वजह से और कंसेप्शन और परसेप्शन की स्पीड। एनीवेज मैं ये मैसेज जब कन्वे करता हूं तो दिस राइड्स अ मीडिया एंड रीचेज योर ईयर। मैं बोलता हूं, कन्वे करता हूं, राइड्स अ मीडिया, हवा के जरिए या जो भी फजा है उसके जरिए वो मैसेज कन्वे होता है, ट्रांसमिट होता है ईयर शॉट में। किसी कोई और भी अगर करीब बैठा हो उसको भी वो आवाज जाएगी, लेकिन जो रिसीवर है जिसके लिए बात की जा रही है और जो अटेंटिव बैठा हुआ है, गालिबन वही बंदा उस मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार बैठा है। अगर और कोई अटेंटिव होगा तो वो भी सुन सकता है, लेकिन मैसेज मैंने इस बंदे के लिए भेजा है, तो ये बंदा उस मैसेज को कैच करता है, रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसलेट करता है अपने दिमाग की जुबान में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने क्या सुना, जो मीडिया मीडियम था बीच में उसके अंदर कितनी नॉइज थी, उस नॉइज ने मेरे मैसेज को कितना डिस्टॉर्ट किया, और इस बंदे जिसने रिसीव किया मैसेज उसने इस मैसेज को कैसे परसीव किया और क्या समझा। हो सकता है जो मैंने कहा वो कुछ और समझा या उसके उलट समझा या व्हाटएवर ही हैज कंसीव, वो उसको फीडबैक करता है, गर्दन हिलाता है या कहता है हाँ जी मैं बात समझ गया, और फिर वो सोचता है कि अब मैं इसका जवाब क्या दूं, फिर वो अपने दिमाग से एक मैसेज कंसीव करता है, इसका जवाब बनाता है, फिर वो आपको कन्वे करता है, वो उसी मैकेनिज्म के साथ आपके पास पहुंचता है, फिर आप उसे कंसीव करते हैं। और ये है जी आपका एक सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ये दो बंदों की कम्युनिकेशन तो नहीं होती, वहां हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना मैकेनिज्म बना रखा है, कम्युनिकेशन के मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर डेवलप हुए हुए हैं, कम्युनिकेशन के मेथड्स बने हुए हैं। तो कम्युनिकेशन मॉडल में ऐसा मुमकिन है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रूल बनाया हुआ हो कि सब लोग जो हैं वो बाय डाक के जरिए कम्युनिकेट करा करेंगे और रिटर्न में कम्युनिकेट किया करेंगे, और रिटर्न कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने कोई बाकायदा सिस्टम बना रखा है
कि जनाब सब लोग अपना अपना लेटर लिख के एक ट्रे में डाल दिया करें, एक बंदा आएगा सारी ट्रे से सब मैसेज उठा के ले जाएगा और जिस जिसका नाम उसमें लिखा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये एक कम्युनिकेशन मॉडल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये चीज देखी है कि जो जितनी भी आपने डाक भेजनी होती है वो एक आदमी आके कलेक्ट करके ले जाता है और फिर वो जिम्मेदार होता है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस कम्युनिकेशन को खुद से हैंडल करें या लेके कहीं जाए। खैर जी, मीटिंग्स वगैरह इन सब के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन प्लान जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है उसको डिवाइस करते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आपका अपडेट हो जाता है। ये जनाब ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये डायग्राम भी इसमें मौजूद है, इनकोड डिकोड करने वाला, ये सब बातें मैं आपसे कर चुका हूं। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, पुश कम्युनिकेशन है, पुल कम्युनिकेशन, ये मेथड है कम्युनिकेशन के। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से। पुश कम्युनिकेशन है कि मैंने एक मैसेज कन्वे कर दिया, अब आपका जब दिल करेगा आप उठा लेना, मैंने तो आपको भिजवा दी है, मैंने मतलब आपको एक ईमेल भेज दी है, जब आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो आप देख लेना, मैंने तो भेज दी है। पुल कम्युनिकेशन है कि मैंने कम्युनिकेशन जो करनी है वो मैंने करके नोटिस बोर्ड पे फर्ज करें लगा दी है, ठीक है जी, जिसका दिल करता है आके ले जाए यहां से, पुल करके ले जाए इस कम्युनिकेशन को, मैंने अपनी दीवार पे लगा दी है, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दी, आप जब जहां से गुजरेंगे जब आपको जरूरत होगी आप इसको पुल करके ले जाए। मैं इंटरनेट के ऊपर किसी वेब पेज के ऊपर एक इंफॉर्मेशन लगा देता हूं, एक आदमी उसके ऊपर 10 दिन बाद विजिट करता है, जब विजिट करेगा वहां से वो कम्युनिकेशन अपनी मर्जी की कम्युनिकेशन उठाए और ले जाए। सो देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मेथड यूज। फिर आप कि नाम मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन जब एग्जीक्यूशन होती है, ये तो कम्युनिकेशन का डिजाइन हो गया ना जी, प्लान कर लिया कौन कम्युनिकेट करेगा, कब करेगा, किसके साथ करेगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, कैसे करेगा, रिटन में करेगा कि ओरल करेगा, फिर इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी बातें कम्युनिकेशन प्लान के अंदर शामिल है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सब कुछ के अंदर शामिल है। अब हम उस कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, सब लोगों को कम्युनिकेट कर दिया गया कि भाई ये कम्युनिकेशन प्लान बन गया है, इसके मुताबिक आपने फलानी रिपोर्ट फलानी तारीख को फलाने बंदे को देनी है, इस फॉर्मेट में देनी है और हर हफ्ते देते रहनी है। तो ये जो कुछ भी कम्युनिकेशन थी ये आपने प्लान कर ली, अब इसको इंश्योर भी तो करना है, प्लान में तो लिख दिया, अब बेशक वो उस बंदे की जिम्मेदारी है कि वो उस कम्युनिकेशन को अक्कर करवाए, लेकिन जो कम्युनिकेशन को देख रहा है बंदा उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि वो ये इंश्योर करे कि ये कम्युनिकेशन जो हमने बताई हुई है प्लान में उनके मुताबिक काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये ऑन वॉच रहेगा तो ये इंश्योर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप दो बंदों ने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी थी और प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन थी और मैंने आपको बताया था कि आपने जनाब एक मीटिंग करनी है दोनों ने, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस मीटिंग की बेशक जिम्मेदारी आप पे है लेकिन कम अज कम मैं आप दोनों को आज जब मीटिंग होनी है उससे दो एक दिन पहले आपको रिमाइंड तो कर दूं कि जनाब आप लोगों को याद है आपने कम्युनिकेशन आज मीटिंग है आप लोगों की और आप लोगों ने ये मीटिंग करनी है और इसके मिनट्स आप मुझे जरूर भिजवा दीजिएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग कि जिससे उन लोगों को अगर वो बात भूली भी हुई है या कोई दिमाग से स्लाइटली इधर उधर भी हो गई है तो मैनेज कम्युनिकेशन के अमल में उस चीज को इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मैन प्लान हमारे पास होता है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी हैं, कौन लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, कौन सा काम सही जा रहा है नहीं जा रहा है, एंटरप्राइज नॉन इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं, हम वही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मॉडल मेथड्स वगैरह इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल आता है तो यहाँ हम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करते हैं। प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन हैपन होती है लाजमी तौर पर, इसके नतीजे में प्रोजेक्ट प्लान और डॉक्यूमेंट्स अपसेट वगैरह अपडेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लेसन लर्न्ड इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन याद रखिए कि मैनेज कम्युनिकेशन का मतलब चेंज लाना नहीं है, इसने सिर्फ इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, इसने ये देखना है कि मतलब प्रीएम्प्ट करना है कम्युनिकेशन को। जो कंट्रोल कम्युनिकेशन है वो एक अलग प्रोसेस है और उसका बेसिकली फंक्शन जो है वो है कि जब कम्युनिकेशन कोई ना हो या गलत हो जाए उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, अगर उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे कोई सवाल मुरतब हो रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव स्कोप टाइम एंड कॉस्ट वगैरह वो सही तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो वो उसको कैसे हैंडल करेगा। तो ये जनाब दिस इज क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का कंट्रोल।
तो इसे चीजें वही हैं, कम्युनिकेशन प्लान है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, इश्यूज हैं, वर्क परफॉर्मेंस डेटा है, प्रोसेस एसेट्स हैं, वही इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सपर्ट जर्नल मीटिंग वगैरह इस्तेमाल करके अब हम कंट्रोल करने लगे हैं। अब हम वर्क परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करेंगे और उसे वर्क परफॉर्मेंस मिशन बनाएंगे कि जनाब कितनी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई, कितने नॉन सक्सेसफुल हुई, क्या प्रॉब्लम है उनमें और इससे क्या फर्क पड़ा, हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे कोई फर्क पड़ गया, स्कोप इधर उधर हो गया और टाइम ज्यादा लग गया और कम्युनिकेशन सही ना होने की वजह से। तो इसकी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसकी चेंज रिक्वेस्ट मूव की जाएगी और परमानेंट प्लान अपडेट होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब कुछ अपडेट हो जाए। सो कंट्रोल कम्युनिकेशन जो है दैट इज कंपैरेटिवली सेम एज मैनेज, बट द ओनली थिंग इज के कंट्रोल कम्युनिकेशन में हमने चेंज रिक्वेस्ट की है, ये एक नई चीज है वहां। तो ये जनाब दिस वाज कम्युनिकेशन और आई होप के कम्युनिकेशन के हवाले से तो हमारा मसला हल हो गया होगा। जी जनाब। सर बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक सर कमेंट ये था कि अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन एथिक्स के बारे में जरा थोड़ा और बता दें, आई विल बी प्रिसाइज इन दिस रिगार्ड। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वाया ईमेल्स, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी तरफ से भी या क्लाइंट के एंड से भी ईमेल्स आती हैं जो कि इफ आई एम द रीडर आई वुड डीम इट एज वेरी रूड, यू नो, उसमें अपर केस लेटर्स होते हैं या हाईलाइटेड इन रेड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किए होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एथिक्स की बात बता दें कि हम क्या व्हाट आर द डोंट्स व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग वाया ईमेल एंड मीडिया। देखिए जी, ये तो आप यूं देख लीजिए कि इवन रिटर्न कम्युनिकेशन जो होती है आपकी, जो लेटर्स आप लिखते हैं उसमें भी कोई लिखने का तरीका और तमीज होती है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा नहीं कुछ एथिक्स को फॉलो कर रहा और जो फॉर्मेलिटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा, अब वो फॉर्मेलिटी को भी कंसिडर करना है, ईमेल सारी फॉर्मेलिटी का बेड़ा गर्क कर देती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें इनफॉर्मल उसमें आ जाती है। जो असूल हम लिखने में, लेटर लिखने में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के, इनफॉर्मल लेटर भी तो होता है ना, आप अपने भाई को भी तो खत लिखते हैं और ऑन द अदर हैंड हम अपने बॉस के साथ भी एड्रेस करते हैं। तो लाजमी बात है कि जैसे लेटर लिखने में हम दोनों तरह के लेटर लिखने में ख्याल रखते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके के साथ रखते हैं, तो वही चीज ईमेल में भी आ जाती है। तो ईमेल में वो अजीब किस्म की जो एसएमएस में और टेक्स्टिंग में लिखने वाली लैंग्वेज है, उस तरह के निशान बनाना और उस तरह के स्माइलीज बनाना और ये सब कुछ करना, ये आजकल का हैबिट बन गया लोगों का ईमेल्स के अंदर। अगर फॉर्मल ईमेल है तो हमें थोड़ी सी उसके अंदर तमीज करनी चाहिए, थोड़ा तरीकेकार के मुताबिक उस चीज को हैंडल करना चाहिए, लैंग्वेज का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ईमेल पे एक बड़ी बीमारी और वो दूसरी वाली आ जाती है, और वो है कि स्पैमिंग लोग शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी आपकी ईमेल्स इधर उधर लीक कर देते हैं जो दूसरों के पास चली जाती हैं। इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है, इसका इसके ऊपर लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन बात यह कि एक दफा आपकी ईमेल निकल गई तो निकल गई। नॉर्मली आप जब एक से ज्यादा लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं, लाजमी होता है ईमेल में फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जिसको मर्जी कॉपी कर दें, भाई बात आपके और मेरे दरमियान हो रही है, आप एक तीसरे डिपार्टमेंट के बंदे को उसकी उसकी कॉपी क्यों भेज रहे। अगर अगर तो वो वाकई उस कम्युनिकेशन का पार्ट है तब तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इस बात के लिए कि 10 बंदों को भी पता चल जाए कि मैंने इससे बात की है, भाई मैं नहीं चाहता कि ये कम्युनिकेशन जो आपके और मेरे दरमियान हो रही है, तो मेरी मर्जी के मुताबिक के बगैर आप इसकी कॉपियां पूरी दुनिया में नहीं भेजेंगे, ना ही आप इसको कोट कर सकते हैं। ये जो कम्युनिकेशन आपके और मेरे दरमियान हो रही है ईमेल के ऊपर, ये किसी और जगह पे कोट नहीं की जा सकती। बेशक वो आपने ही क्यों ना लिखा हो मुझे लेटर, लेकिन वो आपने मुझे जो लिखा है मेरी मर्जी के बगैर आपको कहीं किसी आर्टिकल में, किसी मजमून में, किसी अखबार में या किसी और को उसकी कॉपी नहीं भेजी जानी चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो शायद हम कभी केटर भी नहीं करते हैं, और हैकिंग का काम तो हमने, मतलब ना भी हैकिंग आती हो तो हम हैकिंग करते रहते हैं इन चीजों के बारे में। और लैंग्वेज तो खराब हो गई है हमारी काफी ज्यादा, मतलब उसका तो अब क्या इलाज किया जाए, लेकिन अभी भी हम लोग ईमेल लिखते हैं लोगों को जो फॉर्मल लिखते हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ भी लिखते हैं, लिखनी चाहिए।
आपको पता होगा फौज में जिस तरह से होता है कि जी अगर आप विद इन दी आर्मी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो लैंग्वेज ही और है, उसके लिखने का तरीकेकार ही और है। अगर आप किसी सिविलियन के साथ करते हैं तो उसमें वो कहता है जी कि इवन वो चीजें जो कि जिनके मुखफ्फफ आम लोगों को पता भी हैं, मिसाल के तौर पे आप अपने रैंक लिखते हैं जी, मेजर लिखते हैं, MAJ लिख सकते हैं, लोगों को पता है MAJ का क्या मतलब है, लेकिन इवन देन आप सिविलियन से कम्युनिकेट करते हुए पूरा लफ्ज लिखते हैं MAJOR। तो इस तरीके के साथ इन चीजों का ख्याल हमें इसके अंदर भी रखना चाहिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल है कि ये जब हम कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली हम रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए आपस में बात करने के लिए, तो एक फार ने भी सवाल किया था, मेरा भी यही सवाल है कि जो फॉर्मेट है प्रोसेसिंग का, हाँ जी जो कोई टेबुलेटेड फॉर्म हो कि जी ये रिपोर्ट इसकी ऐसे दी जाएगी, वो भी PMP कुछ कवर करता है? देखिए, वो ये बताता है, मैं किसी जगह मैंने देखी हुई है PMA में, शायद मैं ये शायद स्टेक होल्डर में आएगी, इस चैप्टर में शायद वो चीज आएगी कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से कब कब कौन सी कम्युनिकेशन चाहिए, उसका एक फॉर्मेट जरूर हो सकता है। लेकिन जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के फॉर्मेट है, इंडिविजुअल रिपोर्ट वगैरह के फॉर्मेट है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो नीड बेसिस के ऊपर उन्हें डिजाइन करे, या फॉर दैट मैटर अगर PMO एग्जिस्ट करता है और कुछ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स बने हुए हैं तो वो बनाना उसका काम है। और ये वाला फॉर्मेट भी जो आप बात कर रहे हैं कि क्या क्या कम्युनिकेशन कब किसके साथ होनी है, इसका भी एक फॉर्मेट PMO लेवल के ऊपर डेवलप हो सकता है। एनीवेज, अभी मैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की बात में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए मैंने कहा कि इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है जनाब, दिस इंक्लूड द प्रोसेसेस, ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन से अलग किया गया। दिस इज मोर, इसमें ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स हैं, इस और इसमें टेक्निकली लिंकेज एग्जिस्ट करता है प्रोजेक्ट के साथ। तो स्टेक होल्डर जितने भी हैं, बेशक वो करीब के हैं दूर के हैं, उन तमाम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तमाम पीपल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हु हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट और हु कैन बी इम्पैक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, इन सब की एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को समझना, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना और उनको एनालाइज करना, उनका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे क्या पड़ेगा वो देखना, और फिर उन सबको ट्रीट करने के लिए अलहदा अलहदा स्ट्रेटजीज डिवाइस करना। अलग अलग से मतलब ये नहीं, अगर 100 बने तो 100 स्ट्रेटजीज होंगी, मे बी यू कैन ग्रुप देम टुगेदर इनटू 4 ग्रुप्स एंड देन डिवाइस अ स्ट्रेटजी फॉर ईच ग्रुप। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ऑल्सो फोकसेज ऑन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, ये वो बात है जो कम्युनिकेशन के उस खाते में आती। अब बात यह कि हाउ कैन यू कीप करंट विद ऑल द स्टेक होल्डर, अब यहां पर आएंगे ना कम्युनिकेशन के नए चैनल आप खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, और किस तरीके के साथ, अकलबंदी के साथ स्टेक होल्डर, ऐसा भी ना हो कि ओवर कम्युनिकेशन हो जाए और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाए। तो स्टेक होल्डर के साथ आपने, जैसे वो बैंक अकाउंट होता है ना आपका बैंक में, तो जब आप एक खास पीरियड तक उसको ऑपरेट नहीं करते तो वो उसको क्या कहते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो उसको अनफ्रीज करवाना है। आपने स्टेक होल्डर के साथ इतनी देर तक कम्युनिकेशन नहीं ब्रेक रखनी कि वो आपको भूल ही जाए। तो ये कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, और कॉन्टिन्यूसली इसको हमने कायम रखना है, एड्रेसिंग इश्यूज एज दे अकर, कोई मसला आता है, मैनेजिंग कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड फोस्टरिंग अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन प्रोजेक्ट डिसीजंस एंड एक्टिविटीज। तो स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए, हमारे शुड बी मैनेज एज अ की प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर नाराज हो जाए, आप यकीन कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेक होल्डर अब आपके आपकी सफों से निकल के दुश्मन की सफों में जा खड़ा होगा और ये सेबोटाज करने की कोशिश करेगा आपके प्रोजेक्ट को, भले आप कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन जरा सी सुस्ती की है आपने स्टेक होल्डर की तरफ से, उसकी वजह से आप उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके चार प्रोसेस हैं, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर नेचुरली इज एज सून एज द चार्टर इज डेवलप्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर एज इफ, ये बहुत काम की चीज है ये स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना। जो ही प्लानिंग शुरू होती है, पहला काम जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग के अंदर करता है वो स्कोप डिवाइस करने की कोशिश में कलेक्ट रिक्वायरमेंट शुरू करता है।
जब वो कलेक्टिव गवर्नमेंट शुरू करता है तो ही हैज टू गो बैक टू दीज स्टेक होल्डर्स, जब वो कम्युनिकेशन प्लानिंग करने की कुछ करता है ही हैज टू गो बैक टू दीज स्टेक होल्डर्स, जब वो रिस्क आइडेंटिफाई करने की कुछ करता है ही हैज टू गो बैक टू दीज स्टेक होल्डर्स, जब वो क्वालिटी के इश्यूज को फिर अगेन स्टेक होल्डर्स, जब वो एक्टिविटीज डिफाइन कर रहा होता है टाइम मैनेजमेंट के अंदर तो स्टेक होल्डर्स के साथ, तो स्टेक होल्डर के साथ आपका कनेक्शन सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ कनेक्शन जो आपका नीड और एक्सपेक्टेशन का है और ऑब्जेक्टिव की कंसिस्टेंट मैनेजिंग, और इसके साथ कनेक्शन आपका जो है वो रेगुलर कनेक्शन रहना जरूरी है। कभी कभी ऑफ एंड ऑन मुलाकात कर लेना भी काफी नहीं है, हर स्टेक होल्डर को देखें जानें और समझें कि किसके साथ कितना इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। ये तो खैर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर से आपने स्ट्रेटजी तो बनाई ली, अब आप प्लानिंग के अंदर जब आपको मौका मिलता है तफसील से प्लानिंग करने का तो आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान भी डेवलप करते हैं जिसके अंदर आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी वगैरह डिवाइस करते हैं, और आइंदा वाले प्रोसेस जो मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और कंट्रोल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है, इन दोनों प्रोसेस के लिए आप अपना ग्राउंड तैयार करते हैं। तो ये जनाब आपकी चारों प्रोसेस हैं। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में हमारे पास और कुछ भी नहीं होता, आप इनिशिएशन की स्टेज पे होते हैं, आपके पास सिर्फ चार्टर होता है, एंटरप्राइज प्रोसेस ऐसे होते हैं, ज्यादा ज्यादा आपको प्लानिंग से जब प्रोक्योरमेंट वाला काम होता है, जब ये डिसाइड होता है मेक आर बाय डिसीजन वगैरह कर लेते हैं, तो आप प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट जो RFP वगैरह जो है वो इधर भेजी जाती हैं ताकि इसकी रोशनी में स्टेक होल्डर का एनालिसिस करके बताया जाए कि और इस कॉन्ट्रैक्ट के या जो आप आउटसोर्स करना चाह रहे हैं चीज उसके हवाले से कौन कौन से स्टेक होल्डर्स मजीद आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एनीवेज वो तो खैर एक इनपुट है, स्टेक होल्डर्स जो आइडेंटिफाई होंगे उनका एनालिसिस भी करना है, उनकी नीड एक्सपेक्टेशन को देखना भी है, ये सब कुछ हम अभी इनिशिएशन के वक्त कर रहे हैं, और एक्सपर्ट जजमेंट भी इस्तेमाल करनी है, मीटिंग्स भी करनी है, अल्टीमेटली यू विल पॉपुलेट द स्टेक होल्डर रजिस्टर, बट दिस प्रोसेस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज नॉट ओनली अ प्रोसेस विच हैपन्स इन इनिशिएशन और उसके बाद शायद आप उसको भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट विल कीप हैपनिंग टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आप ये नोट करेंगे कि वो स्टेक होल्डर जो पहले आपके लिए बहुत ज्यादा बड़े और इम्पोर्टेंट थे, शायद वो कुछ अरसे के बाद वो स्टेक होल्डर रहे ही ना, या जितने बड़े वो स्टेक होल्डर थे अब वो बहुत मामूली से स्टेक होल्डर बन जाए, जो लोग शुरू में स्टेक होल्डर नहीं थे या बहुत छोटे स्टेक होल्डर थे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन जाए, तो इसका मतलब है स्टेक होल्डर अपनी हियत भी बदलते रहते हैं, अपना असर भी बदलते रहते हैं, और नए स्टेक होल्डर भी आते और जाते रहते हैं बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेक होल्डर एक दफा अगर हमने लिस्ट बना के रख ली तो काफी नहीं होगा, हमें कॉन्टिन्यूसली इसको अपडेट रखना होगा। स्टेक होल्डर का जो एनालिसिस है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये अभी रिस्क में हम देखेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात, लेकिन यहां पर आप देखिए स्टेक होल्डर का भी जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं वो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स में हमें उठाना होगा। हुज इंटरेस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, इट आइडेंटिफाइज द इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेक होल्डर एंड रिलेट्स देम टू द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वो कनेक्शन है जो स्टेक होल्डर की नीड और एक्सपेक्टेशन का हमारे और प्रोजेक्ट के पर्पस के साथ है, अगर तो उस पर्पस के साथ उसका एसोसिएशन बनता है तो भाई वो नीड वो एक्सपेक्टेशन हमारे लिए पूरी करना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर रिलेशनशिप विद द प्रोजेक्ट एंड विद अदर स्टेक होल्डर्स, ताकि इसकी इस स्टेक होल्डर की अदर स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन जो होनी है वो डिजाइन हो सके, दैट कैन बी लीवरेज टू बिल्ड कोलिशन एंड पोटेंशियल पार्टनरशिप टू एनहांस प्रोजेक्ट्स चांसेस चांस ऑफ सक्सेस अलॉन्ग विद स्टेक होल्डर रिलेशनशिप दैट नीड टू बी इन्फ्लुएंस डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट आर फेज। मतलब ये जो कंटेंट है ना जी, ये सारा PMBOK में लिखा हुआ, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी इफेक्टिव कंटेंट, हम इस सारे को यहाँ रीड नहीं कर सकते, सारे को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इसको ये काबिल है पढ़ने के, और आप अपने तौर पे पढ़ें और इसके इसमें से नोट्स निकालें कि कौन सी चीजें आपके काम की हैं कौन सी नहीं है। स्टेक होल्डर एनालिसिस में वो कहते हैं जी पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हैं तमाम पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स को और उनके नॉलेज रोल डिपार्टमेंट्स और वो सब चीजों को नोट करते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं इसके इम्पैक्ट को और सपोर्ट को एक हर एक स्टेक होल्डर की, कि वो क्या जनरेट कर सकता है, कितनी बड़ी मिथ क्रिएट कर सकता है, और उसे क्लासिफाई करते हैं कि ये बड़ा स्टेक होल्डर है, ये छोटा स्टेक होल्डर है,
फिर हम एसेस करते हैं कि की स्टेक होल्डर जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में इन ऑर्डर टू प्लान हाउ टू इन्फ्लुएंस देम, और फिर हम देखते हैं कि हम इन्हें इन्हें कैसे मुतासिर करें या इन्फ्लुएंस करें ताकि इनकी सपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट के लिए फायदा मंद साबित हो, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट ना करें। इसमें मुख्तलिफ तरीकों के साथ इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक जो मशहूर तरीका है ज्यादा वो है पावर ग्रिड, जो यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी, पावर इन्फ्लुएंस का ग्रिड भी है, पावर इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट का ग्रिड भी है, सेलियंस मॉडल भी है, लेकिन हम इस वक्त एक मॉडल की तरफ जाएंगे। लेकिन इनमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर में इन दो चीजों के अगेंस्ट में मेजर किया जा सकता है, जैसे पावर और इंटरेस्ट। ये आपके सामने एक पावर और इंटरेस्ट का ग्रिड है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर पावर रखी। सो अगर फर्ज कर लें, मतलब अगर इस चार्ट को आप दूसरी तरह से ले लें, फर्ज कर लें कि मैं कहता हूं कि जी हर स्टेक होल्डर की मैं पावर और इंटरेस्ट को 1 से 10 के स्केल के ऊपर मेजर करता हूं और उसको मैं इस ग्राफ के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देता हूं। मिसाल के तौर पे ए नंबर जो स्टेक होल्डर है वो उसका पावर लेवल जो है वो 1 से 10 के स्केल के ऊपर फर्ज करें 6 है, उसका इंटरेस्ट लेवल जो है वो 1 से 10 के स्केल पे 4 है, तो आप ये देख सकते हैं ए कहां प्लेस होता है। इस तरह ये सारे स्टेक होल्डर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर प्लॉट हो जाएंगे। जब ये प्लॉट हो जाए तो उसके बाद आप इस सारे प्लॉट को 4 डब्बों में तकसीम कर दीजिए, मतलब 1 से 5 वाले एक तरफ कर लें एक्स एक्सिस पे और 1 से 5 वाले वाई एक्सिस पे, इस तरह 1 से 10 वाले, 5 से 10 वाले, तो ये 4 डब्बे बन जाएंगे। जो अगर जो लोग लो या आप यूं कह लीजिए जो हाई इंटरेस्ट रखते हैं और हाई पावर भी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों का तो बहुत ख्याल रखना होगा। तो ये बी एच और एफ तीन किस्म के लोग यहाँ पे आए हैं जो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट रखते हैं। इसका मतलब है कि बी एच और एफ, इनके बारे में हमारी स्ट्रेटजी होगी कि वी विल हैव टू मैनेज देम वेरी क्लोजली, वी कांट टेक चांसेस विद दीस पीपल। देयर आर स्टेक होल्डर हु हैव हाई इंटरेस्ट, हाई पावर बट लो इंटरेस्ट। पावर बहुत है उनकी, वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, ये वो, दे डोंट वांट टू नो मच मच ऑफ द डिटेल्स। तो जितनी डिटेल उनको चाहिए, आपने ये समझना है कि ये स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जितनी इसे रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बैंकर है जिसने हमें लोन दिया है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और ये लोन जो है बहुत बड़ा है और हमारा प्रोजेक्ट, हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम कहते हैं जी इसको तो सर पर उठा के रखना है। पता चलता है जब आप उसको कहते हैं सर मैं आपको रोज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भेजा करूंगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आपके प्रोजेक्ट में, वो क्यों आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखेगा, वो तो खोल के भी नहीं देखेगा, जब उसे भेजेंगे उठा के डस्टबिन में फेंक देगा। तो बेसिकली जो चीज उसके उसके इंटरेस्ट की नहीं है, जब आप उसके ऊपर ठोंचने की कोशिश करते हैं तो देर इज वेरी मच अ चांस कि वो आपसे नाराज ही हो जाए इस बात के ऊपर, और वो कहे मुझे आप बहुत तंग करते हैं जी, बिला वजह आप मुझे हर वक्त फोन करके कॉल करके फजूल फजूल बातें बताते रहते हैं जो कि उसके लिए तो फजूल है। आप उसे बता रहे हैं कि सर वो फलाना बंदा आज बहुत बीमार हो गया, काम स्लो हो गया, भाई इससे क्या मतलब है, ये बैंकर है, इसको आपके साथ टोटल ये इंटरेस्ट है कि आप इसका लोन वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, वक्त पे करेंगे, पूरा करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे। तो इसको एक रिपोर्ट आपके साथ चाहिए कि आप इसको, वो भी शायद क्वार्टरली चाहिए कि आप इसका कितना लोन किस महीने में उतार रहे हैं और कितना उतार दिए, इससे ज्यादा उसको आपसे कोई मकसद नहीं है। आपका बंदा बीमार हो गया है, आपका ट्रैक्टर नहीं चल रहा, आपकी एक्टिविटी लेट हो गई है, ही डजंट वांट टू नो, सो प्लीज डोंट बॉदर दिस पर्सन, डोंट डिस्टर्ब दिस पर्सन एंड ओनली कम्युनिकेट विद हिम वट एवर ही रिक्वायर्स टू नो और ही आस्क्स कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह फिर आपके ऐसे स्टेक होल्डर आएंगे जो पावर तो बेचारे बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ये आपका एंड यूजर है खास तौर पे, इसने अल्टीमेटली वो चीज इस्तेमाल करनी है लेकिन चेन में चैनल में इसकी बेचारे की आवाज आप तक शायद नहीं पहुंचती। ऐसे लोग जो हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा फड्डा खड़ा कर सकते हैं, इसलिए सी और ई जो स्टेक होल्डर है इसको हम इन्फॉर्म्ड रखना चाहते हैं। हम इससे कोई ऑर्डर तो नहीं ले रहे,
हम इसको हर जो इसको जानने के काबिल इंफॉर्मेशन है उसकी कॉपी कर दिया करेंगे, इसको इसको बता दिया करेंगे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये सेटिस्फाइड रहेगा और ये हमें तंग नहीं करेगा। तो इसको ज्यादा इसके साथ हमें क्लोजली नहीं चलना पड़ता, इसको सिर्फ अगर आप इन्फॉर्म्ड रखें तो ये स्टेक होल्डर खुश है। फिर वो स्टेक होल्डर है जिसके पास पावर भी कम है और इंटरेस्ट भी कम है, ये जी और डी जो ये स्टेक होल्डर हैं, ये शायद इनके साथ हमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जनाब जी वाला स्टेक होल्डर कुछ दिनों में अपनी पावर बढ़ाता बढ़ाता ऊपर वाली ब्रैकेट में चला जाए। अगर वो ऊपर वाली ब्रैकेट में जाएगा तो हमारा बिहेवियर उसके साथ काफी तब्दील हो जाएगा, अब हम उसे सेटिस्फाई रखने की कोशिश में होंगे, सिर्फ मॉनिटर करने में नहीं होंगे। इसी तरह डी जो है, कहीं इंटरेस्ट लेवल उसका बढ़ गया तो वो अगले वाले सेक्शन में चला जाएगा, तो मतलब उसको सिर्फ मॉनिटर नहीं करना, फिर उसको इन्फॉर्मेशन की कॉपी भी मिलनी चाहिए। तो ये डायनेमिक मूवमेंट है तमाम स्टेक होल्डर्स की, और इस तरह का ग्रिड बना के हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर जनाब उनकी जो स्ट्रेटजी हमने डिवाइस करनी है स्टेक होल्डर की, अगर इंडिविजुअल है तो वो हम इस तरह का एक मैट्रिक्स बना के स्टेक होल्डर का नाम लिखें, स्टेक होल्डर का प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, इम्पैक्ट उसका क्या है, उसका पोटेंशियल कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम इसको हैंडल करेंगे। तो इस तरह का एक चार्ट भी बनाया जा सकता है जिसमें सारे स्टेक होल्डर के नाम पते लिखे हों और उनके साथ डील करने की स्ट्रेटजी लिखी हो। स्टेक होल्डर रजिस्टर में उसकी उस स्टेक होल्डर कौन है, कहां से है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी असेसमेंट इंफॉर्मेशन है कि मेजर रिक्वायरमेंट्स की क्या है, मेन एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये उधर लिखा होना चाहिए। और स्टेक होल्डर को आपने कैसे क्लासिफाई किया, इंटरनल स्टेक होल्डर है, एक्सटर्नल है, किस किस्म का स्टेक होल्डर है, तो ये भी आपको अंदाजा होना चाहिए। फिर जनाब आप स्टेक होल्डर को मैनेज मैनेजमेंट प्लान इसका बनाते हैं, वही जैसे बाकी मैनेजमेंट प्लान बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क रजिस्टर, ये सब कुछ आपके पास है। और टूल्स भी कोई बहुत बाहर के नहीं है, वही टूल्स हैं जो आप कम्युनिकेशन में भी और अदरवाइज इस्तेमाल करते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट मीटिंग्स और एनालिटिकल टूल्स टेक्निक्स। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बनता है और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं। इसमें जनाब ये कुछ एनालिटिकल टेक्निक में एक अच्छी चीज ने दी है, करंट एंगेजमेंट लेवल ऑफ ऑल स्टेक होल्डर needs to be compared to the planned engagement levels required for successful project completion. Stakeholder engagement throughout the life cycle of the project is critical to the project success. Stakeholder ko humne continuously engage rakhne. To engagement level jo different stakeholders ka hai, usko hum classify kar sakte hain ki ek stakeholder hai wo unaware hai. Wo unaware, usko project ka pata hi nahi hai, kuch chal raha hai, uske kya, usse uske upar kya asar hona hai ya nahi hona. He is not अवेयर अबाउट इट। एक स्टेक होल्डर है जो नेगेटिव स्टेक होल्डर है, वो आपको रेजिस्ट करता है, वो कहता है जो भी आप करें गलत करें, उसको प्रोजेक्ट का पता है लेकिन प्रोजेक्ट उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर वो रेजिस्ट करने वाला है, रेजिस्ट अगेंस्ट चेंज। स्टेटस क्वो को जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं ये वो लोग हैं, क्रिप करते रहते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। एक आदमी है कहता है मुझे क्या लगे, मुझे पता तो है ये हो रहा है, बट ही इज नॉट रियली, ना तो वो आपको सपोर्ट करता है ना आपको रेजिस्ट करता है, बस वो न्यूट्रल है। एक आपका सपोर्टिव है, ये वो वाला स्टेक होल्डर है जिसको प्रोजेक्ट का पता भी है और वो इसकी फेवर में भी है, वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है। और फिर आ जाता है लीडिंग, ये वो है जो जो चेंज को लीड कर रहा है, जो चेंज की एफर्ट को लीड कर रहा है, जो अवेयर भी है और ये कम अज कम ही इज इंश्योरिंग कि प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाए। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपने इनको स्विच करना है, मतलब जो न्यूट्रल है उसे सपोर्टिव बनाने की कोशिश करें, जो रेजिस्टेंस है उसे कम से कम न्यूट्रल बनाने की कोशिश करें। तो कॉन्टिन्यूसली आप ये एजुकेट करने के लोगों को कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स, एनालिटिकल टूल्स। अगर आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन पांच क्लासिफिकेशन में किसी तरीके के साथ प्लेस कर दें तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी कि स्टेक होल्डर को मैंने कहाँ लेके जाना है और अगले स्टेप में मैंने कैसे। तो अगर आप स्टेक होल्डर जो इस तरह से नजर रखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेक होल्डर को कैसे बेहतर तरीके के साथ यूज कर सकते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान में डिजायर्ड करंट एंगेजमेंट लेवल हर स्टेक होल्डर का वो नोट होना चाहिए, स्कोप एंड इंपैक्ट ऑफ चेंजेस टू स्टेक होल्डर, आइडेंटिफाइड इंटर रिलेशनशिप, फिर जनाब स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेक होल्डर, रीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन,
टाइम फ्रेम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड फॉर अपडेटिंग एंड रिफाइनिंग द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, तो ये तमाम चीजें आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। एग्जीक्यूशन में हम इस स्टेक होल्डर को की एंगेजमेंट को देखते हैं, जैसे हमने कम्युनिकेशन को नहीं मैनेज किया था उस तरह, तो लेकिन यहां हम स्टेक होल्डर के पास गो बैक टू द स्टेक होल्डर एंड आस्क हिम हाउ हैप्पी ही इज विद द कम्युनिकेशन, द स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ ही नीड्स एनी मोर एंगेजमेंट, एनी मोर इन्फॉर्मेशन, एनी मोर रिपोर्ट। सो इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद स्टेक होल्डर टू मीट देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, की नीड्स पूरी हो भी रही हैं कि नहीं, address issue as they occur and foster appropriate stakeholder engagement in project activities. तो इसमें जनाब stakeholder management plan है, communication management plan, change log है और process assets हैं, और यहाँ हम communication methods को, interpersonal skills को और management skills को इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन हमारी change request launch हो जाती है, permanent plan में amendment हो सकती है, project documents में amendment हो सकती है, process assets में amendment हो सकती है। फिर आपके stakeholder को कि एंगेजमेंट को कंट्रोल करना, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजी, यहां हम एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे एंड प्लान फॉर एंगेजिंग मजीद स्टेक होल्डर। की बेनिफिट इस प्रोसेस का है कि इट विल मेंटेन और इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एक्टिविटीज एज द प्रोजेक्ट इवॉल्व। तो यहां इनपुट में हमारे परमानेंट प्लान है, इशू लॉग है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और वही एक्सपर्ट जजमेंट और मीटिंग वगैरह हमारा टूल्स। आउटपुट में जनाब वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा था ये प्रोसेस होकर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बन रही है, चेंज रिक्वेस्ट यहां से लॉन्च हो रही है स्टेक होल्डर्स के हवाले से, और बाकी चीजें अपडेट हो रही है। ये जनाब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द स्टेक होल्डर थिंग। जी जनाब, अभी तक कुछ गुजारा है? जी फाद, सर इसमें तो कोई ऐसा इशू मुझे नहीं लगा, ठीक है, नॉर्मल सी डिस्कशन है, ठीक है। ओके, अब यहां तक करने के बाद हमारे पास अब प्रोक्योरमेंट और रिस्क रह जाता है, इसको फिर हम कल मुका लेते हैं दोनों चीजों को, ये इसी तरह जितना ये आज का था उतना ही कल को वाला ये पोर्शन है। बिल्कुल सही है सर, इसमें एक दो चीजें स्टेक होल्डर्स में है कि एक तो आपके इंटरनल लोग होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि आपने शुरू में भी हमें उनके स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया था। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को फंड कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो सब स्टेक होल्डर है, कुछ लोग होते हैं जो आप, इनके दरमियान में जो बैलेंस करना है, बैलेंस से मुराद ये है कि अंदर के लोगों को कितना इन्वॉल्व करना है, हाँ जी, और जो आउटसाइडर्स थे जिसमें शुरू में आपने कहा था एल्डो, वो काफी इफेक्ट कर भी सकते हैं, उनको कितना इन्वॉल्व करना है, तो वो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ये हम जब स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त पहले तो लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है उसको बाकायदा हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है हमारे लिए किस हद तक मैटर करे, तो ये जो हमने अभी नंबरिंग लगाई थी ना 1 से 10 तक, और इंटरेस्ट की और ग्रेड की, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप कंसिडर करें, वेटेड एवरेजेस बना सकते हैं, लेकिन आप ये डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन कितना बड़ा स्टेक होल्डर है या कितना बड़ा इम्पैक्ट कैरी करता है, और उसके हिसाब से हम अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उससे डिवाइस करते हैं। ये हमने कहा मैनेज क्लोजली, ये हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी थी, किसके लिए थी? उन लोगों के लिए जो ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट और ज्यादा बड़ी बड़ी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए हमने वो रखी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से स्टेक होल्डर को कहाँ प्लेस किया है और वहां आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी डिवाइस की। तो ये खुद ब खुद आपका बनाया हुआ जो तरीकेकार होगा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान के अंदर, उसके मुताबिक ये चीजें आइडेंटिफाई होगी। जी जनाब, और कुछ? ठीक है सर, चलिए।
चलें जी फिर ठीक हो गया सर, सही है, कल पे रखते हैं फिर इंशाल्लाह। चलें जी टेक केयर, एक बात कल पूछूं 7 बजे जी, सर कल 7 बजे, 7 से 9 करते हैं जी जनाब। इसके जो जब कल हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ऐसे अगर मैंने पीएमआई पे रजिस्ट्रेशन करानी है इसका पीएमपी एग्जाम के लिए, तो उसमें वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है सर, 35 PDUs वाला, तो अच्छा तो वो सर आप अप्लाई करें, उसमें लिखें, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो मांगेंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा। ठीक है सर। मतलब वो तो सर्टिफिकेट मैं बना के रख लूंगा ना, आपको वहां चाहिए ना तो मैं बाई पोस्ट भिजवा देता हूँ या स्कैन करके दे दूं आपको। सर अगर तो आप जैसा कह रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर तो नो नीड, लेकिन इन केस हुआ तो देन वी कैन मैं रिक्वायर। आपको स्कैन करके भेज देता हूँ इमीडिएटली, और आपको अगर जरूरत पड़ेगी जब वो ऑडिट अगर आ गया ना तो फिर वो फिजिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, फिर वो आप उनको दे सकते हैं। कोई मसला नहीं है सर। या फिर सर इस तरह कर लेते हैं कि मैं अभी 2 दिन बाद मेरा पाकिस्तान का चक्कर लग ही रहा है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो हाँ सर मैं आपसे बस आप आके आप ले जाइएगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है उसमें। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे 35 PDUs क्या होते हैं? ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट होते हैं, PDUs तो रिक्वायर्ड नहीं होते आपको, आपको कॉन्टैक्ट आवर्स रिक्वायर्ड है। PDU रिक्वायर्ड होते हैं जब कोई बंदा PMP कर लेता है, उसके बाद उसको उस PMP को मेंटेन करने के लिए PDUs रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है सर। तो सर ये जो इसकी इस सर्टिफिकेशन जो आप देंगे कि हमने ये पढ़ा है, जी, सर्टिफिकेट दूंगा मैं आपको 35 आवर्स का, और वो मैं आपको भिजवा दूंगा आपका बना के। राइट सर, राइट सर, गुड सर, ये सबसे अच्छी बात ओके है। ठीक हो गया सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, और इंशाल्लाह कल 7 बजे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हाफिज।